हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है टॉपिक है टेंस। और टेंस का आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8, अर्थात टेंस का 8वां भाग। तो देखिए, आज हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट वर्तमान परफेक्ट पूर्ण और टेंस काल, वर्तमान पूर्ण काल। और किसी भी टेंस में जब हम स्टडी करते हैं तो सेंटेंस में अगर टेंस की पहचान करनी है तो उसके अंतिम जो फ्रेजेज होते हैं उनके आधार पर टेंस की पहचान करते हैं। तो देखिए, इस टेंस की पहचान के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन बोले तो पहचान। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में, अब हिंदी वाक्यों के अंत में क्या क्या आएगा, देखिए चुका है, क्योंकि इसमें कार्य कंप्लीट होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, यी है, ये हैं, और कभी कभी ई है, आ है, आदि आते हैं। ठीक है, कार्य कंप्लीट हो जाए और है का अस्तित्व विद्यमान हो लास्ट में सेंटेंस के, तो समझ लेना वहाँ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहचान के बारे में डिस्कस किया हमने, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में क्या क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, यी है, ये हैं, आदि आते हैं। और मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया ई है, आ है, आदि। जैसे वे अभी बाज़ार गए हैं, ठीक है, तो इस तरह के जो फ्रेजेज आते हैं तो वहाँ सेंटेंस में कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब बोले तो सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया में देखिए, आप इस टेंस में एचवी के रूप में किसका यूज़ करना है, हैज़ और हैव का। अब कब आपको हैज़ का यूज़ करना है, कब हैव का, वो रूल के तहत स्टडी करेंगे। रूल ऑफ हैज़ हैव, हैज़ हैव का नियम कि कहाँ पे हैज़ का यूज़ करना है और कहाँ पे हैव का। तो हैज़ का देखिए, सबसे पहले हम बात करें ही, सी, इट, एनी नेम, एनी नेम कोई भी नाम, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ, तो हमें किसका यूज़ करना है, हैज का। हैव का यूज़ कब करना है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, और जो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमें हैव का यूज करना है। फिर आती है मेन वर्ब। तो देखिए, जो भी परफेक्ट टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, ऐसे टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। कौन सी फॉर्म का, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी थ्री का यूज किया जाता है। अब देखिए, आप सिंटैक्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, कि जब आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, क्या करना है, ट्रांसलेट, अर्थात सेंटेंस का अनुवाद करना है, तो अनुवाद करते समय आपको सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट, कि सेंटेंस में जो करता है, कार्य को करने वाला है, जिसको कल हमने डूअर बोला था, वो लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव, दोनों में से कोई एक, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ और प्लूरल है तो हैव, तो सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर ETC। अब देखिए, इसमें दे रखा है, जैसे हमारे पास रवि ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया है। हाल ही में, ये अपने आप में एक एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब। तो एडवर्ब को हम लास्ट में ले जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, रवि, तो रवि, अब रवि के अकॉर्डिंग हैज हमें से हैज, अब मनाया है तो यह है आ रहा है लास्ट में, देखो आप मनाना को बोलते हैं सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, अपना जन्मदिन तो हिज बर्थडे, और हाल ही में रिसेंटली, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट का पता करना है, उसके बाद HV लेनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपको लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्बियल फ्रेज। नेक्स्ट जो पैटर्न होता है हमारा वो है नेगेटिव सेंटेंस, कि जब आपका सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसको कैसे ट्रांसलेट करना है। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि जब भी सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट का यूज किया जाता है। सबसे पहले आप लेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। जैसे मैंने अभी तक अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है, तो मैंने के लिए क्या लेंगे आप, आई,
ठीक है, अभी तक, ये भी अपने आप में एडवर्ब है, इसको लास्ट में ले जाएंगे। तो अब यहाँ आई, मैंने लिया, मैंने के लिए आई और आई के अकॉर्डिंग है जो में से हैव और नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट और पूरा करना, कंप्लीट और कंप्लीट की तरफ कंप्लीटेड और अपना के लिए माय और गृह कार्य के लिए होमवर्क और अभी तक के लिए आता है यट, क्या आएगा यट। इस तरह से आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा आपको पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, अभी प्रीवियस टेंसेज में मैंने आपको डिटेल स्टडी करवाई, अब हम थोड़ा यहाँ दो तीन प्रकार के सेंटेंस स्टडी करेंगे केवल। हैज या हैव लेना है, फिर सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है, फिर ईटीसी और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्योंकि हमारा ये एचवी टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है और एचवी टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत एचवी से होती है। क्या तुम ताज की सैर कर चुके हो, तो अब यहाँ देखिए तुम बोले तो यू और यू के अकॉर्डिंग है जो हमें सिखाएगा हैव, यू, सैर करना को बोलते हैं विजिट और विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड और ताज, द ताज, हिस्टोरिकल जो फोर्ट्स होते हैं उनके साथ द का यूज किया जाता है, द ताज, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे ट्रांसलेशन वाला पार्ट था। अब हम स्टडी करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की, वर्ब की सही फॉर्म कैसे भरी जाती है। अर्थात आपको जैसा पहले से ही बताया हुआ है, किसी भी सेंटेंस में अगर टेंस की पहचान करनी है तो वो एडवर्ब के आधार पे करते हैं। किसके आधार पे करते हैं, एडवर्ब के आधार पे। तो देखिए दे रखा है यहाँ पे एडवर्ब्स कि सेंटेंस में कौन कौन सी एडवर्ब्स होनी चाहिए। तो देखो यदि सेंटेंस में, अब मैं एक अंडरलाइन करके समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, यदि सेंटेंस में जस्ट, यट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, सो फार, टिल नाउ, राइट नाउ, बाय नाउ, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए होल टाइम, एवर, देखिए बहुत ज़्यादा एडवर्ब्स आपके सामने दे रखी हैं, आदि एडवर्ब्स आए तो करेक्ट फॉर्म भरते समय आपको हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको एडवर्ब के बारे में रिपीट कर रहा हूँ, यदि सेंटेंस में जस्ट, यट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, सो फार, टिल नाउ, राइट नाउ, बाय नाउ, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए होल टाइम और एवर, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो इन एडवर्ब से रिलेटेड ही पूछा जाएगा करेक्ट फॉर्म में। अब एग्जाम्पल देखिए सर, हमारे पास दे रखा है स्कूल ब्लैंक नोट स्टार्ट यट, अब हमारे पास क्या दे रखा है, यट दे रखा है, ठीक है। यट कौन से टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। सेंटेंस कैसा है हमारे पास, नोट इसका नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे, स्कूल के अकॉर्डिंग है जो हमें से हैज, फिर नोट जब वर्ब के साथ हो तो उसको ऐसे कैसे रखेंगे, नोट, और स्टार्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टार्टेड, ठीक है, हैज नोट स्टार्टेड। और आपके पास अगला एग्जांपल दे रखा है यू टू जापान एवर बी, अब यहाँ देखिए हमारे पास एवर दे रखा है, क्या दे रखा है, एवर, एवर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है, सेंटेंस इंटरोगेटिव है और कौन सा इंटरोगेटिव, एच वी टाइप, तो पहले एच वी लेंगे, हैव यू, अब एवर दे रखा है तो एवर को ऐसे कैसे रखेंगे, बी और बी की थर्ड फॉर्म होगी बीन टू जापान, ठीक है, हैव यू एवर बीन टू जापान। इस तरह से आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। अब मैं आपको तीन सेंटेंस एच डब्ल्यू में दे रहा हूँ, देखिए रवि ऑलरेडी हिज वर्क ब्रैकेट में दे रखा है फिनिश, अगला है हाउ मेनी बर्ड्स ब्लैंक यू सो फार, इसमें दे रखा है सो फार, माय अंकल जस्ट फ्रॉम ऑफिस और ब्रैकेट में दे रखा है अराइव और इसमें दे रखा है सी, ठीक है। तो ये तीन हैं, ये आपको करेक्ट फॉर्म में भरने हैं, ओके।